गदरपुर तहसील कर्मी के कोरोना पुष्टि होने के बाद गदरपुर तहसील परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया, लेकिन वहीं कोरोना पीड़ित गदरपुर तहसील के अंदर लॉकडाउन के चलते काम न होने के कारण नहीं आ रहा था। साथ ही कोई वकील भी गदरपुर तहसील परिसर में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ किसान और कर्मचारी आ रहे हैं। इसके लिए तहसील परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया तथा किसी भी प्रकार से संक्रमण से निपटने के लिए तहसील प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। नवबारा समाचार गदरपुर से महेंद्र पाल सिंह। भाई बाढ़ क्योंकि बाढ़ आपदा प्रबंधन के निर्देशानुसार 15 जून से ही स्थापित कर दी गई है और हमारे वहाँ पर भी दो बाढ़ चौकियाँ स्थापित की है, एक दिनेशपुर में एक गुलरभोज में, तथा इसके साथ साथ ये बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जो 15 जून से तत्पर 24 घंटे पर उसमें तैनात कर्मचारी तैनात हैं और जो भी उसमें सूचनाएं आती है वो सीधे जिला आपदा प्रबंधन रुद्रपुर तथा देहरादून को भी जो भी सूचनाएं हैं त्वरित वहां प्रेषित की जाती है। कर्मचारी के रूप में तो कोई भी आदमी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, हमने यहाँ से अपने जो भी सारे स्टाफ की कोरोना की रिपोर्ट तो वहाँ डॉक्टर साहब से ली गई है, हमारे कोई भी कर्मचारी उसमें प्रभावित नहीं है। केवल एक सुनने में आ रहा है कि ये कोई अर्धनिवेश है जो आजकल वैसे भी काम तो बंद पड़े हैं, तो कोई वकील भी नहीं आ रहा, कोई अर्धनिवेश भी नहीं आ रहे हैं, अब वो अर्धनिवेश कौन है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, और हमारे काम तो हमारे कार्यालय तो खुले हैं, उससे कोई प्रभावित नहीं है काम।